अति मधुर मनोहर देखी भयउ विदेहो विशेषी। आज राजा जनक जो विदेह हैं उन्हें देह का भान ही नहीं रहा, पूछने लगे गुरुदेव कहु नाथ सुंदर दो बालक मुनि कुल तिलक कि नृप कुल पालक। देखने में तो ये मुनियों जैसे लग रहे हैं लेकिन इनके जो चिन्ह हैं उनसे प्रतीत होता है ये किसी राजा के पुत्र हैं। ब्रह्म जो निगम ने ति कही गावा उभय भेष धर के सोयावा। कि सहज विराग रूप मन मोरा और थकित होत जिम चंद्र चकोरा। और अंत में तो बोले इनही बिलोकति अति अनुरागा। मानो इनको देख करके तो ऐसा लग रहा है गुरुदेव अगर सच पूछो ना तो मेरा जो मन है ना वो ब्रह्म भाव को त्याग रहा है, आत्म भाव से ऐसा लग रहा है कि मैं इन्हें अपने हृदय सिंहासन में बिठा लूं। आहा, गुरु विश्वामित्र जी ने कहा राजन ये राजा दशरथ के पुत्र हैं जो सामले वर्ण के हैं उनका नाम राम है, जो गौर वर्ण के हैं उनका नाम लखन है, मेरी यज्ञ रक्षा के लिए आए थे। रास्ते में इन्होंने बड़े बड़े राक्षसों को मारा और रास्ते में इन्होंने आपके जो सतानंद जी है ना उनकी मां अहिल्या का उद्धार किया है। आहा, राजा जनक जानते हैं ये राजा के पुत्र हैं इसलिए जैसा अतिथि आए उसको उसके अनुकूल व्यवस्था में रखना चाहिए। राजा जनक जानते हैं ये साक्षात पर ब्रह्म हैं और भगवान को यहां से गुरुजी को यहां से राजा जनक लिवा करके ले गए और ले जा करके मां जानकी के भवन में ठहरा दिया। सीता जी जिस भवन में रहती थी उस भवन में राम जी को रुकाया, ध्यान देना सीता जी के भवन का नाम है सुंदर सदन। क्या नाम है? सुंदर सदन। गोस्वामी जी ने लिखा है सुंदर सदन सुखद सब काला तहां बासुले दीन भुआला।